Hey, what's up guys, welcome to my channel and I am back with a new video. In the recent past, Oppo has redefined the smartphone market with some interesting devices like Oppo Find X and the Oppo R17 Pro. Today, after a lot of speculations and leaks, there have been quite a lot of news about the upcoming Oppo F13. The Oppo F13 में कुछ कमाल का इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा जो बजट रेंज पे फ्लैगशिप डिवाइस का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा. We have some trustable information which indicates that Oppo will release two model of the Oppo F13 और आप ये डिवाइस में काफी सारे डिजाइन चेंजेस देख पाएंगे जो Oppo F सीरीज के अंदर पहली बार इंटीग्रेशन किया जाएगा. और Oppo F13 का एक 5G वेरिएंट भी देखने को मिल सकता है जो 5G हाई स्पीड नेटवर्क को सपोर्ट करेगा. और आप ये डिवाइस में एक एज डिस्प्ले भी देख पाएंगे जो दोनों साइड से कर्व डिजाइन के साथ देखने को मिलेगा जो मिड रेंज डिवाइस में पहली बार इम्प्लीमेंट किया जाएगा. और हम लोग जानते हैं कि Oppo F13 में 5-inch डिस्प्ले टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा जो अभी का नया नया स्मार्टफोन पे देखने को मिल रहा है. और मुझे लगता है कि रेगुलर Oppo F13 में कर्व डिजाइन डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा और ये आएगा एक फ्लैट डिस्प्ले के साथ में. और Oppo F13 का 5G वेरिएंट में आपको कर्व डिस्प्ले डिजाइन देखने को मिलेगा. ये कर्व डिस्प्ले पहली बार Oppo का फ्लैगशिप स्मार्टफोन Oppo Find X पे देखने को मिला था और उसके बाद ये मिड रेंज डिवाइस पे इस टेक्नोलॉजी को यूज करना काफी बड़ी बात है. द Oppo F13 में ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा एंड अकॉर्डिंग टू पॉपुलर चाइनीज सोशल मीडिया वेबसाइट Weibo, Oppo F13 में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लेंस देखने को मिलेगा एंड 16 मेगापिक्सल एंड 8 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप के साथ में. और जैसे Oppo F11 Pro ग्रेट लो लाइट इमेजेस देखने को मिला है और उसी की तरह आप ये डिवाइस में भी बेहतरीन लो लाइट इमेजेस देख पाएंगे और वो भी इसी प्राइस का फोन में एक बेहतरीन फीचर्स माना जाता है. बट इन माय ओपिनियन ओप्पो डिवाइसेस शुड नॉट बी रियली कॉल्ड ए प्रीमियम फोन. दे आर मिड रेंज फोन विद ए बजट रेंज प्रोसेसर. और अगर देखा जाए ओप्पो एफ सीरीज का जो भी फोन रिलीज होता है इसी प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलता है. उसी प्राइस पॉइंट पे पोको A1 भी देखने को मिलता है जो इसे काफी बेहतर स्पेसिफिकेशन के साथ देखने को मिलता है. तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये दोनों फोन की कंपैरिजन किया जाए तो पोको A1 काफी आगे है लेकिन प्राइस में ये काफी पीछे है. ओप्पो का स्मार्टफोन पे एक चीज बहुत ही अच्छे होते है वो है फोन का डिजाइन, क्योंकि आप ये फोन में डिजाइन को काफी अच्छे तरीके से देख पाते हो और ये डिजाइन में एक प्रीमियम फोन लगता है. लेकिन स्पेसिफिकेशन के मामले में ये एक मिड रेंज फोन के समान होता है जहाँ पे बजट रेंज का प्रोसेसर भी देखने को मिलता है. तो आप मुझे बताएं कि ये फोन आपको कैसा लगा और आपके फोन पे क्या क्या नया फीचर्स देखना चाहते हो और इस फोन को आप कितना प्राइस पॉइंट पे भी देखना चाहते हो. तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए. इसके बारे में जो भी नया अपडेट आएगा और जो भी नया न्यूज आएगा तो आपको मैं सबसे पहले इन्फॉर्म करता हूँ ताकि आप इस डिवाइस के बारे में सभी रिपोर्ट और सभी न्यूज सबसे पहले जान सकें. So let me know your thought on this and I will see you guys tomorrow.